हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स चलिए आज बात करते हैं ईआरटी एंड क्यूआरटी टीम के बारे में। ईआरटी टीम क्या है, क्यूआरटी टीम क्या है, बहुत सारे लोगों की ये दोनों में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो इसके बारे में टोटली इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो क्यूआरटी एंड ईआरटी ये दोनों एक ही है, दोनों की नाम एक ही है, दोनों की मीनिंग भी एक ही है। ईआरटी मतलब इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम एंड क्यूआरटी मतलब क्विक रेस्पॉन्स टीम। इसमें कुछ ऐसे कुछ अलग अलग मीनिंग नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। जैसे एक आदमी का दो नाम जैसे होता है, तो सेम वैसी तरफ से यही एक ही चीज़ को दो तरह से बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम किस जगह पे अप्लाई किया जाता है, यह टीम किस जगह में बनाया जाता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को पता है, बट बहुत सिक्योरिटी को इसके बारे में भी पता नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी होती है, बड़े बड़े होटल होती है, ऐसे प्रॉपर्टी में एक टीम बनाया जाता है, जो टीम की नाम दिया जाता है ईआरटी टीम। तो ईआरटी टीम किसके लिए बनाया जाता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईआरटी टीम इसके लिए बनाया जाता है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में अगर अपने होटल में, अपने प्रीमिसेस में, किसी भी जगह में कोई आग लग गया, बड़ी दुर्घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वाटर ओवरफ्लो हो गया, तो ऐसे चीज़ों में, ऐसे जगह में ये जो टीम है, ये टीम जाके हैंडल करते हैं, ये टीम जाकर उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उसको बोला जाता है ईआरटी टीम। इस ईआरटी टीम में भी अलग अलग टीम में भी डिवाइडेड किया गया है, अलग अलग नाम दे के, अलग अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के। लाइक आप देख सकते हैं, फर्स्ट एड टीम होता है, फायर फाइटिंग टीम होता है, रेस्क्यू टीम होते हैं, फिर टेक्नीशियन सपोर्ट टीम होते हैं। तो उसी तरह से वो लोग अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। लाइक अगर आग लग गई किसी भी जगह में, तो ये जाकर फायर फाइटिंग रिस्पॉन्स टीम जाकर उसको अटेंड करते हैं। अगर किसी की हाथ कट गई, तो ये फर्स्ट एड टीम जो है, फर्स्ट एड टीम जिसको दिया गया है, जिसके जिसकी नाम है, वो लोग जाके उसको हैंडल करते हैं। जिसको भी जो टीम में शामिल किया गया है, प्रॉपर उसी तरह से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर फायर फाइटिंग टीम में है, तो फायर फाइटिंग ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर फर्स्ट एड टीम में है, तो फर्स्ट एड टीम की फर्स्ट एड कैसे किया जाता है, इसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। टेक्नीशियन सपोर्ट टीम में है, तो टेक्निकली जो भी है वो सपोर्ट टीम में है, तो टेक्निकली बेसिकली टेक्नीशियन ही रहते हैं, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो या एचआर टीम हो या दूसरे डिपार्टमेंट की, किसी को इसके बारे में पता नहीं होते। तो जो टीम को पता होते उसको इसको ही दिया जाता है, वो टीम के पर्टिकुलर ये में। तो फायर फाइटिंग में ज़्यादातर रहते हैं सिक्योरिटी एंड टेक्नीशियन रहते हैं, क्योंकि ये लोगों को ज़्यादातर फायर फाइटिंग के बारे में नॉलेज होती है। तो ऐसे ही अलग अलग टीम में अलग अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट एड टीम में ज़्यादातर अकाउंट्स, सेल्स, फाइनेंस, ये सब को दिया जाता है, वो लोग को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। उसी तरह से रेस्क्यू टीम में भी दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट को शामिल किया जाता है, क्योंकि रेस्क्यू टीम में रेस्क्यू करने की ज़रूरत होती है, तो रेस्क्यू में इतने ऐसे कुछ जानकारी नहीं होने से भी चलता है, तो रेस्क्यू टीम में भी दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट से शामिल करते हैं। रेस्क्यू में जो भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आग पाग लग जाए, होटल में कोई बड़ा आपातकालीन स्थिति हो, तो इमीडिएटली वो लोग जाकर जो भी फंसे हुए रूम में या कोई भी कैजुअलिटी हो या कुछ हो, तो वो लोग जाकर रेस्क्यू करके असेंबली पॉइंट में लाते हैं। तो ऐसे ही जो भी टीम में जिसको दिया जाता है, वो लोग का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसी तरह से वो लोग निभाते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए जिस भी बॉडी में आप जॉब कर रहे हैं, अगर किसी भी आपातकालीन स्थिति हो, इमरजेंसी सिचुएशन, तो डायरेक्टली विदाउट किसी का परमिशन से डायरेक्ट आप एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड हो, किसी को कॉल ना करें, क्योंकि हर ईआरटी टीम में एक ईआरओ होते हैं। ईआरओ दैट मीन्स इमरजेंसी रेस्पॉन्स ऑफिसर। तो इमरजेंसी रेस्पॉन्स ऑफिसर इसको बोला जाता है जो प्रॉपर्टी की हेड होती है। तो जो भी करना है आपकी प्रॉपर्टी की हेड की परमिशन करना चाहिए। अगर बड़ा कोई इमरजेंसी हो, तो आप एम्बुलेंस को या 58 को बुला सकते हैं। बट किसी भी ऐसे आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन में शॉर्ट सर्किट हो गया या वाटर ओवरफ्लो हो गया, आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे, तो आप ईआरटी टीम में जो भी शामिल है,
वो लोगों को सूचित कर सकते हैं ऑफ ड्यूटी हो या ऑन ड्यूटी हो, क्योंकि हर प्रॉपर्टी में ईआरटी बोर्ड में हमेशा हर डिपार्टमेंट हर टीम की कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट रहता है। तो इसीलिए अगर किसी भी सिचुएशन में इमरजेंसी सिचुएशन हो तो आप लोग जो भी ऑन ड्यूटी में है ईआरटी टीम में, जो भी फायर फाइटिंग टीम में हो या रेस्क्यू टीम में हो या चार्जर्स एंड रेस्क्यू हो मैनिंग टीम हो या जो भी टीम में हो, वो लोग को कॉल करके आप बुला सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो हर किसी प्रॉपर्टी में नाइट शिफ्ट में बहुत सारे एम्प्लॉय कम होते हैं, मेन पावर कम होते हैं, होने के कारण अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो दो तीन आदमी या चार पांच आदमी से हैंडल करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसके लिए आप जो भी ऑन ड्यूटी में है ईआरटी बोर्ड में, जो लोग की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है टीम में है, तो आप इमरजेंसी सिचुएशन में कॉन्टेक्ट करके बुला भी सकते हैं। और हम लोगों का फ़र्ज बनता है अपने प्रॉपर्टी को सुरक्षा करना, तो इसीलिए हमेशा हम लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन में अवेलेबल होना चाहिए। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर ऐसे लगा कि इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिले हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।